मेरे को तैयार नहीं किया, बस सब तैयार होके बैठे, मेरे को तैयार कौन करेगा। तो छोले बना रहे, तो आज इन्हीं की ड्यूटी है खाना बनाने की। धुबड़ा नहीं जानते हम तो, धूप ही बोलते हैं धुबड़ा, तो पहली बार सुन रही हूँ आपके मुंह। उठाओ रेनकोट के अंदर कैसे हुआ पानी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के हो रहे 6:30, मैं कर रही हूँ ब्रश। और बाय द वे, सबको हैप्पी करवा चौथ। और मेरी मेहंदी देखो क्या मस्त रची है, हमारे हस्बैंड हमसे बहुत प्यार करते थे गुजरा। तो अभी मैं फटाफट ब्रश करती हूँ, नीचे जाती हूँ, नाश्ता वास्ता बनाती हूँ। बाकी पानी तो मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है, और जब तक होगा तब तक मैं नाश्ता बना के फिर नहाने का काम करूँगी। चलो फिलहाल ब्रश करते हैं। तो अभी मैंने हाथ मुंह तो धो लिया, अभी फ़िलहाल अभी चलते हैं नीचे, देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। चाय बना रही होगी मम्मी नीचे। ये मम्मी और मेहंदी बताओ अपनी, देखो मैंने क्या दे रही थी। सो मैं हो चुकी हूँ रेडी एकदम, बिल्कुल मस्त तैयार होके, मतलब अभी क्या बोलते हैं नीचे पूजा करनी है। मम्मी कब से बुला रही, तो मैं कपड़े धोने लग गई थी, तो मम्मी वेट लग कर रही है पूजा वूजा के लिए, तो मैं जाती हूँ फटाफट। ठीक है, और ये हमरो छोटू, ओए भुंदड़ू, हेलो करो, हेलो हाय करो, बानी हाय कर बा। तो अभी हमारा टाइम पास नहीं हो रहा है, तो हम जा रहे नीचे भाभी के पास फ़ोटो खिंचाने के लिए, क्योंकि मेरी भाभी की एक फ़ोटो नहीं, हम जा रहे हैं। मम्मी तो गई है बुआ की दीदी के घर अभी, और मैं बोरियत आ रही है यार, पूरे दिन भर क्या काम करते हो, और दिन क्या काम करते हो। भाभी कहाँ हो आप, इधर अंदर। चलो हम फ़ोटो खींचेंगे। अरे शिवाय क्या नाना, क्या मेरे को तैयार नहीं किया, बस सब तैयार होके बैठे, मेरे को तैयार कौन करेगा। तो अभी 11:30 हो रही है, और मेरे को रील्स बनानी है, लेकिन आज मुझे कोई ढंग की रील्स नहीं बन रही बनाने के लिए, जबकि आज मेरे पे टाइम ही टाइम है, लेकिन अब प्यास लग रही है यार मुझे, लेकिन तो ये हम यहाँ बोर हो रहे हैं, तो मूवी की शूटिंग देख रहे हैं वहाँ पैसिफिक में, वहाँ मूवी की शूटिंग चल रही है, पता नहीं कौन सी मूवी की चल रही होगी। ये रिंग लाइट लगी हुई है कि यहाँ पे रील्स बनाओगे, भैया रील्स ही नहीं समझ आ रही, एक भी रील्स समझ नहीं आ रही, कौन सी बनाओ। व्हाट अ सीन, ये बारिश आ रही है देखो जरा भाई साहब, चांद दिखेगा हमें कि ऐसी व्रत निकालना पड़ेगा। है क्या रखना है, एप्पल। अच्छा धूबड़ा, धूबड़ा वो क्या होता है, धूप। अच्छा धूप, धूबड़ा नहीं जानते हम तो, धूप ही बोलते हैं धूबड़ा, तो पहली बार सुन रही हूँ आपके मुंह। अच्छा हम इसको कुछ और बोलते हैं हमारे यहाँ। तो अभी हो रही है 4:00 है, और हम जा रहे हैं पूजा के लिए, तो बगल में आंटी है उनके घर पे जा रहे हैं पूजा के लिए, और ये सेकंड टाउन टाइम, ये दूसरे टाइम का मैं रेडी हो रखी हूँ पूजा के लिए, अरे अभी तीसरे टाइम का फिर करवा चौथ के लिए बाद में के लिए अलग होने, मतलब इतनी बार पूजा के लिए, मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। अच्छा मेरी बिंदी ली लगा रखी, भूल गई। तो अभी चलते हैं फिर पूजा के लिए फटाफट से, नीचे बत्ती जलानी है पहले फिर जाना है। तो अभी मैं जा रही हूँ बत्ती जलाने के लिए, दिया मतलब जो ये करवे वाला है, तो पूजा से पहले ये जलाना होता है, लास्ट तक जलेगा फिर ये ना। तो चलो अभी बत्ती जलाते जला। हैं जला, आ जाएंगे है ना। चलो
मैं ले जाऊँ? ना मैं ले लूँ, चलो चलो। खिलाने का वक्त तो ले ली, मैं पकड़ तो ले क्या। चुन्नी तो लाई नहीं, चुन्नी अंदर ही रहेगी। किसके यहाँ जा रहे सुनने? अच्छा वहीं जहाँ पिछली बार गए थे। ये लग दो यहाँ पे। क्या बोलते हैं दीवाली जलाओ फिर? हाँ अभी मेरे सब आएंगे ना, एक साथ जलाऊंगी। मिलेगा अंदर का दिया जलाओ। क्या जलाना होता है पता नहीं मेरे को, लाइट सब यही पूछ रहे हैं। साड़ी नहीं बन रही एक तो जब जल चढ़ाओगे ना, ऐसी हो रहा है, जल चढ़ाओगे ना तब उसमें ही डाल देना। अच्छा इसमें डाल के कब चढ़ाना? सब चढ़ाते हैं, ये अलग से चढ़ाते हैं। अलग से चढ़ा देना, खुश रहो सदा सुहागन रहो। हां भाई खुश रहो सदा सुहागन रहो। ए नीशु कहां रहने यहीं पे? ए बैठो दीदी चाय बना दियो। बस बना ले। आज घर पे है तो काम थोड़ा खाना तो बन जाएगा। खाना तो सीटी भी बज रही है, खाना तो बन जाएगा। हम करते नहीं, मैं बोल के सोलह लागे सा चारों के चारों हम रेड रेड रेड। बस पीने के लिए दे दो, बस जो बनी है वो ही पी लेंगे। हेलो। और यहाँ अंधेरे में बन रहा है खाना। क्या बना रहे हो भैया? क्या बना रहे हो? तो छोले बना रहा हूँ। तो छोले बना रहे हैं, तो आज इन्हीं की ड्यूटी है खाना बनाने की। आज लेडीजों की छुट्टी। तो मौसम इतना बेकार हो रखा है देहरादून में। ये देखो जरा चांद पता नहीं कहाँ ही दिखेगा, हमें तो पता नहीं दिखेगा भी की जरा एज्यूम करके करना पड़ेगा लग रहा है मुझे। इतने भयंकर हो गए, देखा हवा कितनी भयंकर चल रही है। तो अभी फिलहाल हमने चाय तो पी ली, तो मेरे को बताना कौन कौन मतलब पूजा के बाद चाय पीता है या फल खाता है या कुछ भी नहीं खाता पीता। हम तो चाय पी लेते हैं, फल तो मेरे से मैं नहीं खाती फल, मतलब चाय पीती हूँ सिर्फ। वैसे बोलते हैं जो पहले व्रत में जैसा करते वैसे ही करना पड़ता है, तो मैंने पहले व्रत में सिर्फ चाय पी थी। वैसे भी मेरे को ठीक ही है चाय भी, वरना चाय भी अजीब ही हो रही है। अब तुमने चाय पी ली ना, अब अजीब और अजीब हो रहा है। इससे अच्छा तो बिना चाय पिए ही ठीक था यार। तो ये हैवी साड़ी इतनी हैवी है ना, मकसम संभलती नहीं बिल्कुल भी। तो अब ये सेकंड टाइम का हमने करा, अब थर्ड टाइम का फिर चेंज करना है वो उसके लिए क्या बोलते हैं व्रत खोलते टाइम। भैया इतने कपड़े तो मैं ज़िंदगी में चेंज नहीं करे जितने एक ही दिन में करने पड़ रहे हैं। तो चलो फिर जरा हम वेट करते हैं, थोड़ा एक दो रील्स बना लेती हूँ। बड़ी मुश्किल से तैयार हो रही हूँ, उसके बाद तो पता नहीं कब तक बनती नहीं बनती है। तो चलो मैं फटाफट रील्स बनाती हूँ, उसके बाद शाम को मिलेंगे फिर जब बड़ा चांद चूंद आएगा। पता नहीं कहीं आएगा, जहाँ भी आएगा आसमान में दिख तो रहा नहीं, कहीं अंधेरा और होगा। पता देखो पूरी जगह अंधेरा और होगा और बारिश के छींटे छींटे पड़ रहे हैं ऐसे करके। ये हो गई है बारिश की शुरुआत, अच्छी खासी बैंड बजा दी यार मैंने फटाफट से रील्स बना दी और एकदम से बारिश आ गई है बहुत भयंकर वाली। अच्छी यार व्रत का टाइम नहीं होना चाहिए यार ऐसा, व्रत खोलना भी भारी है हमने, पता नहीं क्या ही सीन, गजब ही सीन हो भैया। तो मैं अभी रेडी तो हो चुकी हूँ आधा आधा, और अभी बज रही है
7 बजने वाली है, तो बाहर बहुत तेज अभी भी बारिश चल रही है कसम से। और मेरा यहाँ देखो मतलब मैंने एक तो लहंगा पहन लिया, ऊपर से मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं इसे उठा लूँ। एक तो वैसे हैवी है, ऊपर से सारा सामान ऐसे पड़ रखा। और अभी मेरे हस्बैंड आएंगे और बोलेंगे ये क्या फैला रखा, मैं कहाँ पे बैठूँ, सारी जगह इधर साड़ी, इधर सूट, इधर डब्बे, उधर सीसा सूसा, पता नहीं क्या क्या पड़ रखा। रेनकोट के अंदर कैसे हुआ पानी? ओए होए यार क्या बारिश हो रही है, छी यार क्यों तैयार होके बैठे इस बारिश में। मेरा तो मन कर रहा है तो घर के कपड़े पहन लूँ और उसी में ही कर लूँ। तुम्हारा व्रत है? शर्म नहीं आई ना जरा सी भी? मैं भी रख लूँ जरा। तुम तो सुबह तक भूखे थे, अब तुम खा लिया चट करके? तो खाया ना सुबह तक तो? तो हे भगवान 5 बजे खाया बल, तो 2-3 घंटे और रुक जाते तो व्रती हो जाता तुम्हारा। बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अच्छा और हम कैसे कर रहे बर्दाश्त है? तुमने कल खाना खाया होगा ना? कल ना मैंने 8:30 बजे खाया था 2 रोटी, कल खाना भी नहीं खाया गया पता मेरे से। तो इन्होंने साड़ी में ना पहली मूंजियां बना के ला रखी थी क्योंकि उनको पता था, मुझे आफत ना आए, पता था ना कि मेरे को आती नहीं है साड़ी पहननी। नहीं नहीं इसमें नहीं, इसमें तो लहंगा आएगा, इसमें ही डाल दूँ किसी में। और वही मेरा गिफ्ट कहाँ है? करवा चौथ का? अच्छा हद हो गई यार, एक तो ना तो तुमने व्रत लिया ना तुम मुझे गिफ्ट दे रहे। क्या किया मैंने? कहा एक तो ना तो व्रत लिया एक ना गिफ्ट दे रहे मुझे। सुनाएंगे बड़ी मुश्किल पागल चले चले मैं है तो वहां जा रही है पड़ोस में आंटियां बम फोड़ने के। ये देख रही हो गया, आ जाओ इधर। अब तो अभी हम वेट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा, चांद ना चांद को कुछ बादल लग रहा है, बादल। भूख नहीं लग रही, प्यास लग रही है बस। चलो हम फिलहाल और रील्स बनाते हैं मस्त करके। ये क्या चल रहा है, ये क्या बोलते हैं इसे? इसे क्या बोलते हैं ये जो चल रहा है? अग्यारी। क्या अग्यारी? क्या होता है ये? क्यों जलाते हैं इसे? चाची इधर आ जा। माता की पूजा करते हैं पता है या अभी बोल रहे हो? पूछूंगी ना मम्मी से, ये देखना इनके कर्मकांड। ए तुम डब्बा मत गिरा देना वो प्लास्टिक। हाँ मैच है आज, मैच है भैंस की मैच भी आज। क्या सीन चल रहा होगा भैया? जोर जोर से हमें भी बता देना कौन जीत रहा। ये कल तक जल जाएगा? जल गया होगा। ये तोड़ के हलवा सब्जी सब खाना चढ़ाओ, थोड़ा मिठाई नहीं चढ़ाई तो कहाँ? अब क्या करना है? धूप जला नहीं? हाँ धूप ये जला, धूप जल छोड़ जल चढ़ाया नहीं बोले। अरे पानी पहली बात तो जलनी जल, जब एक बार जल गई तो जलती रहनी। क्या चीज तो बुझा गया, जल तो रहा सब कुछ, सब कुछ जल रहा। ये कंडा थोड़ा बुझा, वो तो जरा सी है वो। पानी इसमें डाल दे नीचे नीचे थोड़ा थोड़ा हाथ में लेके, हाथ में ऐसे, हाथ में ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे उतार और नीचे साइड में इसमें डाल दे, लट्टे में ही डाल दे बस। ओके अब हाथ जोड़ पानी भरना है अब लट्टे में। यही तो बांधा था पिछले साल भी, इसमें कुछ टमाटर
उठाओ उठा दादा को उठा वो नहीं लेके जाने डब्बे वो करवे है ये नहीं लेके जाने चलो तो अभी के व्रत में ऐसी कॉमेडी कॉमेडी हो गई ना कसम से मैं क्या बताऊं ये रहे। अब ये सामान तमान यहाँ से जा रहा है और अब हम जा रहे हैं खाना खाने बहुत भूख लग रही है नहीं पहले कपड़े चेंज करेंगे फिर खाना ये रहने देना जलता तो अभी अभी हमने सब कुछ निपटा दिया इतना रिलैक्स फील हो रहा है ना कसम से घर के कपड़े पहन के ये थाली कहाँ दे रहे तुमने थाली में ले जाना ऐसे ले जा रहे थाली में ले जाना है ऐसे ले जा रहे मुझे नहीं पता ऐसे ले जाएंगे क्या होगा तो ये देना होता है नीचे सगुन का सामान तो ये हम दे रहे हैं तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए और आज का ब्लॉग यहीं एंड करते आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और टाटा बाय बाय टेक केयर ए, इंडिया से जीतने खुशी अलग ही दिख रही है इनके चेहरे पे देख रहे तुम और क्या वो तो दिखेगी कितने टाइम बाद जीत रहे हैं वो कहते हैं ना कि कभी कभी हार भी जरूरी होती है वही वाला सीन है।